राम जी का दर्शन करना है तो बिल्कुल सरल उपाय, भगवान खुद बोले ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भाई जिसको पाना है वो खुद ही अपने प्राप्त होने का तरीका बता दिया, वो खुद ही उपाय बता दिया। सुंदरकांड में आपने पढ़ा होगा, भगवान खुद बोले कि मुझे जिसको प्राप्त करना है एक काम कर ले, वह अपने मन को निर्मल कर दे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सब गाओ सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न कवियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया, छलहीन मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त करने में सामर्थ्य है, इसलिए मन को निर्मल कर। ये मन के प्रकार है, पता है दो तीन तरह के मैल होते हैं, छल कपट और छिद्र। जब तक मन में ये तीन बीमारी है ना, छल कपट और छिद्र, तब तक भगवान राम बहुत दूर है। कितना ही कोई योगी तप कर ले, ध्यान कर ले, ये तीन मैल जब तक मन से नहीं निकलेंगे, छल करना, धोखा करना, किसी के साथ छल करना, धोखेबाजी करना, और मन में कपट रखना, मुख में कुछ और हो अंदर कुछ और हो। कई बार होता है ना, ऊपर ऊपर से हम बड़ी तारीफें करते हैं, अरे भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सरल हैं, बड़े विनम्र हैं, और अंदर अंदर गाली देते रहते हैं, पीठ पीछे कुछ और मुख पर कुछ और, ये कहते हैं कपट। छल कपट और तीसरी बीमारी है छिद्र। छिद्र का मतलब होता है भेद करना, किसी को छोटा मानना, अथवा तो दो प्रेमियों को बीच में लड़वा देना, घर में आग लगवा देना। जो काम मंथरा करती थी ना, जिसके घर में घुस गई वहां आग लगा देती थी, इसको कहते हैं छिद्र। ये तीन प्रकार की जो मन की बीमारी है, जब तक ये मैल तुम्हारे मन में है, भगवान बहुत दूर है। तो राम तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी जो बताई वो है मन, अपने मन को निर्मल करो। और दूसरी सीढ़ी है चरित्र की। राम को पाने के लिए एक शर्त और है, अपने चरित्र को अच्छा करो। मन निर्मल हो गया, चरित्र अच्छा हो गया, तो राम दर्शन में हमें कोई बाधा नहीं होगी। इसलिए बाबा तुलसी ने बड़ा प्यारा नामकरण किया, रामचरित मानस। कल मैंने बताया इसका फल क्या होगा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। किसी ने बाबा तुलसी को पूछा कि आपकी रामायण को पढ़कर क्या मिलता है, तो कहा विश्राम। कथा से तुम्हें और कुछ मिले न मिले, विश्राम तो जरूर मिलता है, मन की शांति मिलती है। क्या कारण है कि लोग कथाओं में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्यों? क्योंकि दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है साहब, मन का विश्राम नहीं है। कहीं भी भटक करके देख लो, शांति केवल और केवल
भगवान के चरणों में है। दुनिया में कहीं शांति नहीं। जब भगवान दुनिया वालों को हर चीजें बांट रहे थे ना, तो एक चीज भगवान के हाथ से गिर गई और भगवान ने उसको देखा तो तुरंत उस पर पांव रख दिया, छुपा लिया, और बाद में सब कुछ देखकर कहा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हाथ खाली है। लक्ष्मी जी ने भगवान को कहा कि प्रभु आप भी झूठ बोलते हैं क्या, मैंने देखा कि आपने अपने पैरों के नीचे कुछ चीज छुपाई है और कह रहे हैं कुछ नहीं। भगवान मुस्कुराकर बोले कि देवी मैंने दुनिया वालों को हर चीज दे दी, एक चीज मैंने अपने पैरों के नीचे छुपा लिया और उसी का नाम है शांति। शांति चाहिए तो भगवान के चरणों की उपासना करो, भगवान ने शांति वहां छुपा रखी है। जिसको शांति चाहिए भगवान के चरण में ला। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, सुनत श्रवण पाई अविश्रामा। राम कथा से मन को विश्राम मिलता है। संसार में कहीं भी भटक कर देख लो, मन को विश्राम नहीं। नींद की टेबलेट लेकर लोग रात्रि में बेहोश हो जाएं वो बात अलग है, लेकिन भगवान के चरणों में जो विश्राम मिलता है, मन को सुकून मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए बाबा तुलसी ने कथा की महिमा बताई। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने वाली, अमंगल को हरने वाली यह भगवान की कथा, और बाबा तुलसी ने इसको आरंभ किया है तीर्थराज प्रयाग से। आप जानते हैं तीर्थराज प्रयाग के विषय में, जहां तीन नदियां संगम करती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। बहुत समय पहले वहां एक संत रहते थे जिनका नाम है भरद्वाज। कौन है ये भरद्वाज? देवगुरु बृहस्पति के बड़े भाई उत्तक्ष ऋषि, ये उनके पुत्र हैं। भरत नाम के एक राजा ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इनका नाम पड़ा है भरद्वाज। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं और हर वर्ष वहां माघ के महीने में यानी 14 जनवरी को एक मेला लगता है। एक महीने का मेला होता है, उसको कहते हैं कुंभ मेला। हर 12 वर्ष पर महाकुंभ आता है और हर साल कुंभ लगता है तीर्थराज प्रयाग में। पूरे भारतवर्ष से महात्मा लोग, संत लोग, भक्त लोग वहां पहुंचते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सब प्रकार के लोग महाकुंभ में आते हैं। एक महीने सब लोग संगम में स्नान करते हैं, भगवान माधव की पूजा करते हैं, और वहां पर एक अक्षय वट है जिस वट के नीचे भगवान राम विश्राम किए थे। अंग्रेजों ने 6 महीने उसको लगातार जलाया, फिर भी वृक्ष जला नहीं, आज भी वो वृक्ष है। प्रयागराज में कभी आप जाएं तो किले के अंदर वो वृक्ष आज भी है, उसको कहते हैं अक्षय वट। अक्षय वट की परिक्रमा का बड़ा महत्व होता है, जैसे यज्ञ की परिक्रमा का महत्व होता है। जहां भी यज्ञ हो, आप यदि यज्ञ में नहीं बैठ पाते हैं तो कम से कम यज्ञ की परिक्रमा ही करना चाहिए। यज्ञ की परिक्रमा करने से भी हमारे जन्म जन्मांतर के चक्कर कटते हैं। जो भवसागर में हम भटकते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं, जन्म पर जन्म लेते रहते हैं, वो भव चक्कर टूटता है हमारा परिक्रमा करने से। यज्ञ में परिक्रमा का बड़ा बड़ा महत्व होता है। तो सब लोग एक महीने तक वहां तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं, परिक्रमा करते हैं,
भगवान माधव की पूजा करते हैं और महात्माओं के पांडालों में शिविरों में कथाएं चलती है तो कथाओं का आनंद लेते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।